दोस्तों, अगर आजकल के मार्केट में आप देखेंगे तो मार्केट बहुत ही फास्ट एंड वोलाटाइल हो चुका है। और ऐसे समय में देखिएगा, मार्केट में पैसा लगाना और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना एक बहुत ही स्किलफुल वर्क होता है, जिसमें देखिएगा बहुत सारे लोग जिसकी जानकारी नहीं होती है और उसके बाद देखिएगा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें रिटर्न देखने को नहीं मिलता। तो आज बात करेंगे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में जिनका नाम है मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पे जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र मिलता है जो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर एक सवाल का जवाब देता है और बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद करता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और आपको यहाँ पे जीरो मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनको 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और वन ऑफ द देखिएगा बेस्ट ब्रोकर इन दिस इंडस्ट्री ये देखने को मिलते हैं आपको। 50 लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए यहाँ पे आपको बस छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती हैं, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आपका डीमैट ओपन हो जाता है। और ये ऐप बहुत ही फास्ट और देखिएगा एकदम स्मूथ वे में वर्क करता है, तो आपको ट्रेडिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देर किस बात की, अगर आप चाहते हैं यहां पे डीमैट अकाउंट ओपन करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके विजिट करिए और ओपन करिए अपना डीमैट अकाउंट। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल एक बहुत ही बड़ा सेशन शुरू होने वाला है और बहुत सारे जो पर्टिकुलर देखिएगा सेंट्रल बैंक के देखिएगा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी अपनी राय रखेंगे और एक्चुअल ग्राउंड में क्या सिचुएशन है वो पता लगेगी आपको कल। कल से मतलब पूरा एक सिनेरियो बनना शुरू होगा कि एक्चुअली कि इन्फ्लेशन पे कैसे वर्क किया जाए, रिसेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखा जाए, वेस्टर्न कंट्री में कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, US में कितनी प्रॉब्लम आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें कई सारे पॉलिसी मेकर जो फेड के पॉलिसी मेकर हैं उनके स्टेटमेंट भी आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि कल एक्सपायरी है। क्या है, कल एक्सपायरी आपको देखने मिलेगी और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रिगर दिखाऊंगा बिफोर दिस पर्टिकुलर बिगेस्ट इवेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पे, पहले तो मैं आपको फेड के देखिएगा, फेड्स देखिएगा, काशकरी सेज हिज बिगेस्ट फियर इज इन्फ्लेशन। लाइक आपको भी पता है कि एक टाइम बाद जब आपका जो पर्टिकुलर इन्फ्लेशन है वो रुकने का नाम नहीं लेता है तो सेंट्रल बैंक को, सरकार को एक ड्राफ्ट बना के देना होता है, सरकार को ये जवाब देना होता है। तो जवाब देते टाइम आपको पता है आपके पास कोई पॉइंट होना चाहिए, कोई रीज़न होने चाहिए। अगर लगातार 9.1% तक का इन्फ्लेशन पीक कर चुका है तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो पॉलिसी मेकर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जो फियर है वो अभी भी इन्फ्लेशन बना हुआ है और कोई भी ऐसा पॉलिसी मेकर ज़्यादा इस चीज़ को अप्रोच नहीं कर रहा है कि हम थोड़े से देखिएगा लीनियंट हो जाएं, थोड़े से देखिएगा कहते हैं रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि हमने इतना रेट हाइक करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन लास्ट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन में पाया है। तो आप देख सकते हैं 19 देखिएगा पॉलिसी मेकर हैं, उसमें से देखिएगा काशकरी जो है वो ऑलरेडी द मोस्ट हॉकिश ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स 19 पॉलिसी मेकर। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एग्रेसिव व्यू इन्हीं पर्टिकुलर एक्सपर्ट का देखने को मिल रहा है। इवन ये कह रहे हैं बैक टू बैक 75 BPS या फिर उससे भी ज़्यादा की देखिएगा हमें रेट हाइक करनी है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से फेड बैंक प्रेसिडेंट नील On Tuesday, his biggest fear is that the US Central Bank misreads the extent and persistence of price pressure. तो यानी कि उनको अभी भी लगता है कि हम लोग misread कर रहे हैं, misinterpret कर रहे हैं इस particular actual situation से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमें और भी ज़्यादा even more aggressive rate hike to control इन्फ्लेशन। आप समझ सकते हो कि अगर इससे भी ज़्यादा हो तो एक तो स्लो डाउन के ट्रैप में आ जाएगी इकॉनमी, सेकेंड थिंग क्या है कि आपका व्यू अभी क्लियर नहीं है, सेंट्रल बैंक एक टूल की तरह यूटिलाइज कर रहा है रेट हाइक को, जब उसे लगता है कि ठीक ठाक है चलिए तो ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पे वर्क नहीं हो पा रहा।
आप देख सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी और पॉलिसी को टाइट करना है, इवन 2.5% तक, अनदर 2 full percentage points बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी कि उनका कहना है कि लगातार बढ़ते रहिए और 2.5% तक ले जाइए, उससे भी ऊपर ले जाइए। तो आप समझ सकते हैं, और ये मार्केट ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा, चूंकि अभी मार्केट ये सोच रहा है 50 BPS point तक ही रेट हाइक देखने को मिलेगा। अब इसमें कल सबसे बड़ा इवेंट शुरू होगा, देखिएगा, जो जैक्सन होल सिंपोजियम है, इसमें कई सारे देखिएगा गुरु जो हैं पर्टिकुलर, वो आपको देखते हुए मिलेंगे। इन्वेस्टर कॉन्टिन्यू विदड्रॉ प्रॉफिट ऑफ द टेबल कॉशियस अहेड ऑफ दिस वीक इकोनॉमिक सिंपोजियम इन जैक्सन होल, व्यूइंग फॉर एडिशनल क्लूज अबाउट द पेस ऑफ द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट हाइक आफ्टर फेड ऑफिशियल सिग्नल मोर हॉकिश रेट हाइक्स अहेड। यानी कि अब जब कई लोग सामने आके बात करेंगे, क्लू रखेंगे क्या चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी बनेगी। जब आप एक्चुअल सिचुएशन को देखिएगा, सही तरीके से बताते हैं, तब आपको ज़्यादा तरीके से देखिएगा इम्पैक्ट होना पड़ता है कैपिटल मार्केट को। तो आप देख सकते हैं पूरी जो निगाहें हैं वो किस पे हैं, पूरी तरीके से जैक्सन होल पर हैं। और देखिएगा इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, मार्केट वॉचर्स एंड अदर गैदर इन द ग्रैंड टेटन बिगिनिंग थर्सडे फॉर द फेडरल रिजर्व समर्स इकोनॉमिक सिंपोजियम। तो आप समझ सकते हैं ये कल से शुरू होगी, थर्सडे कल ही है, आप देख सकते हैं, और बहुत सारे आउटकम बाहर आएंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे जिसका इम्पैक्ट आपको कैपिटल मार्केट पे देखने को मिलेगा अमेरिका के। और अमेरिका का देखिएगा जो भी इम्पैक्ट आ रहा है वो इंडियन मार्केट में भी आ रहा, आप देख ही रहे थे, आज भी आपने देखा, तो उस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और अभी जो मैक्सिमम पॉलिसी मेकर हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हॉकिश हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो उसको भी आपको दिमाग में रख के चलना है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि यहाँ पे कल मैंने आपको दिखाया था डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया था, $1 का पूरा देखिएगा आपको फॉल देखने को मिला था। यानी कि अगर आप $1 देखेंगे पूरा फॉल देखने को मिला था, बट स्टिल जैसे कि माना जा रहा था कि 107 की तरफ बढ़ने लगेगा, थोड़ा सा उससे भी नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, 108 के लेवल को होल्ड किया है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, और होल्ड करने के बाद अब फिर से 109 के लेवल के लिए बढ़ना शुरू भी हो गया है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप एकदम से फॉल आया तो काफ़ी बड़ा फॉल आया है, वहाँ पर रुक गया है, सपोर्ट लिया है। और अगर कोई भी ऐसा आउटकम जिसके कारण डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, अगर ऐसा कोई आउटकम जैक्सन होल से निकल के आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि डॉलर इंडेक्स आपका पहला इंडिकेटर होगा जो आपको ये बताएगा कि कैपिटल मार्केट कितना गिरेगा। चूंकि आपको पता है 20 साल के रिकॉर्ड हाई पर डॉलर इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा है, और डॉलर इंडेक्स का लगातार ऊपर बने रहना हमारे ट्रेड डेफिसिट के घाटे के लिए बहुत बड़ी देखिएगा चिंता की बात है, जो कि आपको 1 सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा, जिसके दिन भी ज़्यादा नहीं रह गए। चूँकि आपको पता है कि आपने मान लीजिए इस महीने के शुरुआत में जो पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स था वो 105 के आसपास था, तब ट्रेड करना शुरू करा, और अब आप 109 के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो $3 का जो डिफरेंस है वो आपको ट्रेड डेफिसिट में देखने को मिलेगा, जो इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छी बात नहीं होगी। तो फोकस करिएगा, कल वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस अपडेट। रात को मैं अपडेट करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी फोकस करिएगा। थैंक यू सो मच।